बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। हम इस वक्त खड़ी हैं अपने नए शेल्टर होम में और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ काम जारी सारी है तेज़ी से, और बस जितना टाइम मिलता है निकल ही आते हैं, देख लेते हैं एक एक निगाह। ये अभी वॉशरूम यहाँ बनने हैं जिसकी छतें डल रही हैं, दीवारें बन रही हैं, और कोई 65-70 के करीब अभी फिल वक्त हमारे पास वॉशरूम बनेंगे, तैयार होंगे ये, जिससे रिहाइश, सारी बातें रिहाइश तभी होगी जब वॉशरूम होंगे सबसे पहला अमल। लेकिन हमने थोड़ा सा लेट हो गया इसको शुरू करने में, क्योंकि सोचते रहे किस तरफ कि कैसे क्या बनाएं, अटैच कितने देने, बाहर कितने, तो ये वो वॉशरूम में 65-70 जो सिर्फ बाहर बाहर की साइड्स पे हैं, अटैच वॉशरूम अभी अलग बनेंगे। और आज हमारे साथ हमारी एक बच्ची भी आई हुई है जो स्टूडेंट है और एज अ वॉलंटियर हमारे ज्वाइन किया हुआ है, तो आती रहती है लेकिन अभी मेरे साथ खड़ी है। तो मेरा ख्याल है कि मुझसे ज़्यादा ये बोले, ये बताए ये क्या देख रही है, क्या नज़र आ रहा है, कैसा काम हो रहा है इधर भी, ऑफिस पे भी, लोगों के लिए भी, तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। क्योंकि ये मेरी ना कोई चाचा मामा की लड़की है, ना कोई जात पहचान की है, स्टूडेंट है। मैं तो आज शायद पहली बार मिला हूँ या दूसरी बार मिला हूँ, ऐसी वॉलंटियर कर रही है यहाँ पे। तो महक बताओ बेटा, ज़रा खुद बताओ, ये पकड़ो माइक और खुद बताओ। बहुत ज़ोरों शोर से काम चल रहा है यहाँ पर, तामीराती काम भी चल रहा है, यहाँ लोगों के लिए काम किया जा रहा है। इंसानियत का रिश्ता बेसिकली हमदर्दी का है, एहसास का है, और यहाँ पर सबके लिए काम हो रहा है। और जो लोग जिनके सर पे कोई नहीं, जिनका कोई सहारा नहीं है, सारे मरनी वेलफेयर ट्रस्ट इंटरनेशनल जो है उनके लिए काम कर रहा है। और ऑफिस में इंडिविजुअल हर बंदा जो है किसी न किसी मकसद के लिए बैठा हुआ है, और हर किसी को, हर बंदे का एहसास है, हमदर्दी है। और यहाँ पर भी बहुत बेहतरीन काम चल रहा है। मैं खुद यहाँ पर आई हुई हूँ और मैं एज अ वॉलंटियर आई हूँ, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट हूँ मैं भी, आप लोग की तरह ही मैं भी यही, मैं आप लोग भी आ सकते हैं इंसानियत के काम के लिए। हर कोई, अल्लाह सवाब देता है, आप लोगों को भी आना चाहिए। मैं भी घबरा रही थी, मैं भी एक लड़की हूँ, बहुत मसले होते हैं, लेकिन अभी मैं आई हूँ तो मैं देख रही हूँ कि यहाँ जो है सभी कोई ना कोई अपनी जो है फर्ज अदा कर रहे हैं, अजर का काम होता है। तो आप लोगों को भी आना चाहिए, आप लोग भी एज अ वॉलंटियर आ सकते हैं, आप लोग भी काम कर सकते हैं यहाँ पर। तो हर किसी के लिए कोई ना कोई एक सवाब का काम भी है। आप लोगों को यहाँ पे आएंगे, आप लोगों को सवाब तो मिलेगा मिलेगा, सीखने को एक्सपीरियंस भी मिलेगा, हर चीज़ आपको यहाँ पर करने को मिलेगी। ये चारों तरफ बस ये आज यही सब नज़र आ रहा है, और वॉशरूम बन रहे हैं, कमरे बन रहे हैं, टाइल्स वाइल्स लग गए हैं काफ़ी हद तक, बल्कि इधर लेके चलते हैं ना, ज़रा से दिखाएं कि टाइल्स भी कमरों में लग गए हैं काफ़ी हद तक के। और अभी पॉलिश वॉलिश नहीं करवाई है, क्योंकि जब ये अभी रंग से फारिग होंगे कमरों के तो फिर पॉलिश की तरफ जाएंगे हम इंशाल्लाह ताला। और कोशिश ये की है कि ऐसा कलर हो जो कमरे को रोशन कर सके, तो ये इसी तरीके का कलर ही शायद अभी फाइनल हुआ ये वाला कमरा। ऐसे ही ये इधर कमरा है, ये भी वाइट कलर में ही है, और इंशाल्लाह ताला ये जो पैसेज हमारा बीच का, ये आप लोग देखेंगे तो बड़ा अच्छा एक कलर है, स्ट्रॉबेरी शायद कहलाता है, स्ट्रॉबेरी कलर, और वो हम पूरा ये बीच में लगाएंगे, पूरा वो वहाँ एंड तक के, ऐसे ही ऊपर के फ्लोर्स पे भी। तो अपनी कोशिश कर रहे हैं बेहतर से बेहतर काम करने की, और इसमें सारी बातें लोग अपना तआवुन भी करते रहते हैं, हर आदमी जिस तरह भी तआवुन कर सकता है। जैसे बच्ची है, ये आई है, इसका तआवुन है, ये एज अ वॉलंटियर कर रही है, इसका तआवुन है, ये अपने दिल से कर रही है, इसका तआवुन है। तो जिसके पास पैसा है पैसे से, जिसके पास पैसा नहीं है हाथ पाँव से। ये देखें, ये मैं दिखाना ही चाह रहा था, इसी तरीके से पीछे और ग्रिल्स अभी लगेंगे, पीछे निकलते जाओ, ऐसे ही चलते रहो। ये ग्रिल है, ये पोर्शन हो जाएंगे, मुख्तलिफ़ पोर्शंस हो जाएंगे, जो हमारी बच्चियाँ गलत लत में लग गई हैं नशे की, वो भी कुछ बच्चियाँ होंगी यहाँ पे। इसी तरीके से ये ग्रिल्स के पोर्शंस होंगे, मुख्तलिफ़ जगहों पे जाने के पोर्शंस होंगे, और उधर भी ग्रिल लगी, पोर्शंस वाइज हम इसको बनाएंगे ताकि हर शख्स जो है ना सेफली यहाँ रह सके। और मकसद, अफसोस तो यही है ना कि माशरे में कहीं बेहतरी नहीं नज़र आती, लेकिन जो बेहतरी कर रहा होता है फिर उस पर इस कदर बोझ आ जाता है, तो हम पे इस कदर बोझ है कि मैं बयान नहीं कर सकता, लेकिन अल्लाह ताला उतार भी रहा है। उधर देखा मशीन चल रही है जो छतों की भराई हो रही है। तो मैं आप सब से, अपने पाकिस्तानी कौम से,
जहाँ जहाँ हैं, पाकिस्तान में हैं, पाकिस्तान से बाहर हैं, यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आगे बढ़े, हमारा साथ दें, और हमारा साथ ना दें, इंसानियत का साथ दें। हमारे लिए कुछ नहीं करेंगे आप, ये अल्लाह की रज़ा के लिए। ये देखें मार्बल सारा अभी आया पड़ा हुआ है, अभी इसके पता नहीं कितने गुना ज़्यादा मज़ीद आना है। लेकिन एक मिसाल है ना, जैसे ये 300 रुपये फिट 400 रुपये फिट आ रहा है, आप इसकी मदद कर देना, आप सारा 50-60 हज़ार लाख स्क्वायर फिट ना दिलवाएं। ये पत्थर है, ये कोई मेरा ख्याल है 50-60 रुपये का एक पड़ता होगा, ये एक पत्थर की कीमत दे दीजिए आप। वो ब्लॉक बड़े वाले वो पड़े हैं लकड़ियों के नीचे, वो भी कोई 60 रुपये 65 रुपये का कुछ ऐसा है, 5 इंच के ज़्यादा चल रहे हैं हमारे पास ताकि मजबूती रहे, वो दे सकते हैं आप। और मैं थोड़ी सी एक नौइयत दिखाऊं, ये अभी दीवार नहीं बनी है, तो मैंने ये कहा है कि भाई ये जैसे कोई अपना घर बनाता है ना, मैंने ऐसा बनाना है, मैंने ये दिखावे के लिए नहीं बनाना, मैंने ये फर्जी नहीं बनाना, मैं दुनिया में हूँ नहीं हूँ, ये चीज़ें चलेंगी इंशाल्लाह ताला, मैंने ऐसा बनाना है। ये देखें आप, ये पूरा मैंने नीचे तक के खुदाई करवा जो है ना ये करके, दीवार की जो है ना इसको पूरा प्लास्टर करा के, प्लास्टर के बाद नीरू लगाई है, अब नीरू लग के इसकी तराई हो रही है रोज़ाना, और तराई होने के बाद इसके जब तराई से रुकेंगे तो इस पर पूरी डामर लगाएंगे हम, ताकि बारिशों का पानी होता है या क्यारियाँ जो बनाते हैं उसका पानी होता है, वो मर के दीवारों को नुकसान ना पहुँचाए। जितना बेहतर से बेहतरीन ये झूले माशाल्लाह ये तोड़ भी दिया है, रोज़ तोड़ते रोज़ बनते हैं ये, लेकिन बेहतरीन झूले लगाएं, जितने अच्छे से अच्छे इसको अच्छे गेज में बनवा सकते थे वो बनवा करके लगाएं। अपनी सोच अपनी मेहनत से काम कर रहे हैं, और अल्लाह का शुक्र है काफ़ी हद तक चल रहा है, लेकिन लोग फिर कहूँगा आगे बढ़ें और मिलकर नेकी करें।